चेयरमैन JPDCA और हमारे MD साहब हैं मिस्टर गुरमीत सिंह और चीफ साहब साथ में बैठे हुए हैं हमारे। तो आज जो हमारा बेसिक मुद्दा है वो है बिजली के बारे में जम्मू में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगर आप देखेंगे तो कल का जो दिन था, कल का काफ़ी गर्म दिन था जम्मू में और बेसिकली गर्मी जो है अब शुरू हुई है। इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए पिछले फरवरी से लेके अभी तक हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी और हमारे मिस्टर डॉक्टर RP सिंह हैं जो अभी CMD यहाँ नियुक्त हुए हैं, हमारी जो बेसिकली कॉरपोरेशन है, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, उसके जो कि हमारी होल्डिंग कंपनी भी है, तो इसके अंतर्गत हमारी यहाँ पे 6 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई। इसलिए इस ध्येय के साथ कि जम्मू में जो गर्मियाँ हैं इसमें पावर की पोजीशन कैसे ठीक की जा सकती है, तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए, काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए और कुछ चीज़ें जो शायद आपको पता हो या ना पता हो, पिछले 3-4 महीने में और शायद PED में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि जैसे हमारा पुअर्न सबस्टेशन है उसकी कैपेसिटी 160 MVA से बढ़ाई गई। इसी प्रकार ग्लैडनी है जिसमें 50 MVA, कैनाल का सबस्टेशन है वहाँ 50 MVA के नए ट्रांसफार्मर लगाए गए और जो हमारी ट्रांसमिशन की कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ाई गई। इसी प्रकार से अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो यहाँ पे 2 तरह की स्कीम चल रही हैं, वो स्कीम जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स हैं जिसमें काफ़ी सारे 33 KV सबस्टेशन और उसके एसोसिएटेड ट्रांसमिशन लाइंस और उसके साथ वो लाइंस काफ़ी सारी या वो सबस्टेशन जहाँ ऑगमेंटेशन की ज़रूरत थी उसमें भी ऑगमेंटेशन की जा रही है। और एक्चुअली ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे मई के एंड में ख़त्म होने चाहिए थे लेकिन कोविड की वजह से ये थोड़े से डिले हुए हैं और हमें उम्मीद है कि जून के एंड तक ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और कोविड का ऐसा समय रहा जिसमें जो हमारे पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के या इवन ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन के काफ़ी सारे इंजीनियर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स और काफ़ी सारे लोग बेचारे हताहत हुए, मारे गए। तो एक तो मैं उनके लिए भी श्रद्धांजलि अभी अर्पित करूँगा क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जम्मू में स्पेशली क्योंकि मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए काफ़ी एफर्ट किया और हमेशा चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, किसी समय भी वो लोग सामने आए और वो काम उन लोगों ने करने की कोशिश की। हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम जम्मू में बिजली सप्लाई जहाँ तक पॉसिबल हो अच्छी सप्लाई दें और समय के साथ सप्लाई दें। ये मैं नहीं कहूँगा कि कटेलमेंट नहीं होगी, कटेलमेंट भी होगी क्योंकि यहाँ जो लोड जिस प्रकार से बढ़ा हुआ है उसके बारे में अभी हमारे MD साहब भी बात करेंगे, तो लोड पिछले साल से बढ़ा है और उसके ऊपर कई और इश्यूज हैं जिनके बारे में मैं आगे आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आगे आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो ये सारी सिचुएशंस होते हुए भी हम लोगों को, क्योंकि हमारा एफर्ट है कि यहाँ पर बिजली की सिचुएशन जो है ये बिल्कुल ठीक हो, और जब मैं एफर्ट की बात करता हूँ आपको शायद पता होगा कि पहले ये हमारा डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये अभी कॉर्पोरेटाइजेशन का एक सिस्टम चालू हुआ है और पिछले फरवरी से एक नया सिस्टम यहाँ लागू हुआ है और उस सिस्टम के होने से हमारा एक एफर्ट है जो कि जितनी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी चाहे हिंदुस्तान में हैं चाहे हिंदुस्तान से बाहर हैं, हमारा एफर्ट रहेगा कि उनको हम उन्हीं की तरफ, उन्हीं के तरीके से चलने की कोशिश करें, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक छोटा चैलेंज नहीं है क्योंकि कई यहाँ पे लीगेसी इश्यूज़ हैं। अगर आप लोग हमारे साथ कई सबस्टेशन, कई 33 KV सबस्टेशन उनका टूर भी करना चाहें, हम आपको कंडक्टिव टूर पे ले जा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि पिछले कई डिकेट्स में कई चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे होनी चाहिए थी, नहीं हुई, जो भी कारण रहे हों उनके पीछे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से वो चीज़ें जो हैं वो आस्ते आस्ते ठीक होंगी, आगे सामने आएंगी और आप भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस पर एक इम्पैक्ट देखना शुरू करेंगे। मगर एक चीज़ मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब लोग यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट और मीडिया हाउसेस से हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हैं, और वो इशू हमारा है बिजली चोरी का। हम दुनिया में या हिंदुस्तान में या जम्मू या कश्मीर जहाँ पे भी चाहें कि अगर हम
जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें और अगर हमारी चोरी नहीं रुकती तो हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा वेस्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा बिना जगह के नाम लिए हुए। लास्ट ईयर तक एक सब जगह में, क्योंकि मैं इसलिए आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता बिकॉज हम भी इस प्रोसेस में हैं देखने की कहाँ क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को हम कैसे ठीक करें। 250 KVA का ट्रांसफार्मर लास्ट ईयर तक वहाँ बड़े बढ़िया तरीके से चल रहा था, वो ट्रांसफार्मर जला क्योंकि वहाँ लोड पड़ा। उसके बाद हमने उसको 400 KVA के ट्रांसफार्मर से रिप्लेस किया और जैसे ही वो 400 KVA का रिप्लेस हुआ उसके 2-4 दिन के बाद वो भी जला। उसके बाद फिर से 400 KVA से रिप्लेस किया, वो फिर से जल गया। क्यों? क्योंकि अगर हमने यह एनविसेज किया था कि वहाँ 400 KVA का लोड है, वहाँ 600-700 KVA का लोड आना शुरू हो गया तो कोई भी सिस्टम, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी पॉसिबल है आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप भी वैसे ही कंज्यूमर हैं जैसे मैं कंज्यूमर हूँ, जैसे हमारे चीफ साहब या MD साहब कंज्यूमर हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कंज्यूमर्स। अगर हम चोरी को बंद नहीं करेंगे तो हम लोग जो हैं कभी भी इस सिस्टम के इम्प्रूवमेंट का सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आज हमने इसी माध्यम से, जो हमारी आज ये प्रेस ब्रीफिंग है, इसके माध्यम से हम अपील कर रहे हैं लोगों से, चाहे वो सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड कॉमर्स के लोग हैं, व्यापार मंडल हैं, शॉपकीपर्स हैं, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के आप सब भाई बंधु बहन जो ही हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, कई लोग, कल जो पहला दिन था गर्मी का और सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा तूफान मच गया कि बिजली का नहीं है, कोई कहीं की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है, लेकिन हम सबकी ये ड्यूटी भी है कि बिजली की चोरी ना हो, बिजली के ऊपर हम खामखा में ओवरलोडिंग ना करें, और जहाँ पे भी इस प्रकार का कहीं किसी को शक पड़ता है, होता है, वो किसी भी, हम टीम में से जहाँ भी आपको लगे इन्फॉर्म करिए, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म करिए।